हेलो दोस्तों, मेरे भाई बहनों, क्या हाल चाल? जय श्री माता। आज हम बात करेंगे एआरआई के ऊपर, जिसको आप लोग जानते ही नहीं। जी हाँ, आखिर ये एआरआई है क्या, ये करता क्या है, जानते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, ये एआरआई क्या बना है जानते हैं हम इस वीडियो में। जी हाँ, एआरआई का फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आखिर वो लंबा चौड़ा नाम है कई। अब चल, हमने जान लिया इसका नाम, अब जानते हैं हम इसके काम। जी हाँ, जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एआरआई, इसका जो काम रहता है वो बेसिकली बहुत काम रहता है। तो मैं आपको गिनाता हूँ, जैसे कि आपकी गाड़ी का एवरेज निकालना हो गया, उसके वाइब्रेशंस, उसके नॉर्म्स, उसके जो सॉफ्टवेयर की डिजाइन है, जितने भी गाड़ी की सेफ्टी और उसके फंक्शंस रहते हैं, उसको हमारा देखता है ये एआरआई। जी हाँ, तो हम चलते हैं इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के ऊपर, जो कि हमने भी बोले थे, जैसे कि हमारा एवरेज निकालना। तो अगर आप खरीदने जाते हो, जैसे कि आपकी स्विफ्ट डिजायर, तो आपको जब शोरूम पे जाओगे तो आप उसको किसका एवरेज दिखता है, तो बोलता है ये 28 से 25 का एवरेज देती है। फॉर्च्यूनर खरीदने जाते हो तो बोलते हैं ये 12 से 14 का एवरेज देती है। तो ये बताता कौन है, ये बताता हमारा एआरआई। जी हाँ, हमारे एआरआई क्लेम करता है कि वो गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है। खैर, वो तो चिकने रोडों पे लेके जाता है कहीं, अपने तो रन रोड है, इसलिए गाड़ी का एवरेज कम निकलता है। आपकी कंपनी रिकमेंड करती है, अगर वो 15 का रिकमेंड करती है तो आपको 13-12 का मिलता है, क्योंकि वो तो चिकने रास्तों पे लेके जाती है और इधर हम खुरदे रास्तों पे लेके जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना। खैर, ये तो एवरेज की बात कि हमारे एआरआई आपकी गाड़ी को भगा चगा के, मतलब आपकी साली और साले को, यानी जो आपकी गाड़ी की बहन भाई है ना, उनको चेस्ट करती है। तो अब ये जो बात हुई हमारे एवरेज, अब चलते हैं हम नॉर्म्स के ऊपर। जैसे कि अभी हमारी BS4, हम BS6 के ऊपर जा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे जो नॉर्म चेक हो रहे हैं ना, ये भी हमारी एआरआई चेक करेगा, यानी हमारी जो गाड़ी कितना कम पोल्यूशन करती है, ये भी हमारा एआरआई चेक करता है। जैसे कि हमारे अभी स्कॉर्पियो का नया जनरेशन आ रहा है, तो उसके अंदर का जो इंजन है, उसकी जो डिजाइनिंग है, वो भी यहाँ पे चेक होगी, वो कितना कम पोल्यूशन कर रहा है, वो भी चेक होगा। जितने भी इंजन बनेगी ना अभी, वो सब यहाँ पे चेक होंगे। और ये जो हमारा एआरआई है, ये डेवलपमेंट करता रहता है, जैसे आपकी सीएनजी की हो गई, नई नई टेक्निक्स आ गई, मतलब नए नए इनोवेशन करता रहता है, जो आपकी गाड़ी को स्मूथ रिलायबल करके रखे। और दोस्तों, जो ये एआरआई है, ये मानस पुणे में लोकेट करता है। जी हाँ, इसको आप एआरआई को इंडिया का एनकेपी समझ सकते हो, जहाँ पर गाड़ियों की क्रेश टेस्ट, माइलेज टेस्ट, ये सब होते हैं। जैसे कि हमारे यूरोप में एनकेप चलता है, हमारे इंडिया का एआरआई है, मेड इन इंडिया। जी हाँ, और इसने अभी रिसेंटली मिशलिन, जो भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी टायर बेस्ट कंपनी है, उसके साथ टाई अप करा है, कुछ टायर वायर से रिलेटेड है। तो यानी एआरआई और मिशलिन दोनों मिलकर हमारे इंडिया के लिए एक नया नया शानदार टायर बनाने की फुर्सत में, तो जिससे आपको मिलेगा अच्छा एवरेज, अच्छी परफॉर्मेंस। तो खैर, वो तो उनकी बात। तो अब चलते हैं हम अगली वीडियो के लिए। तो अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो। जब तक तुम्हारा भाई का चैनल करो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना, अगर कुछ डाउट हो तो तुम्हारा भाई बता देगा तुमको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।